वो शख्स जो रात को ऐवान सदर के अंदर खुफिया मुलाकातें करता है, एनआरओ मांगता है, जब एनआरओ नहीं मिलता तो बाहर खड़े होकर जलसे में बदतमीजी शुरू कर देता है। और आप ये देखें कि तनकीद अगर जायज़ हो, किसी दायरे में हो, तमीज़ के दायरे में हो, इशू बेस्ड हो, तो मुझे उस तनकीद से इख्तलाफ नहीं है। लेकिन आप सिर्फ ये देखें कि वो क्या तालीम दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि क्या तुम इन चौकीदारों को छोड़ दोगे, क्या तुम इंस्टीट्यूशंस को छोड़ दोगे। मतलब वो चौकीदार जो है, अगर वो वतन की जो बॉर्डर्स हैं उनकी हिफाजत छोड़ के वो बनीगाला की हिफाजत करना शुरू कर दे तो फिर चौकीदार ठीक है? बनीगाला में हीरों की हिफाजत करना शुरू कर दें? इतने ऑनेस्ट ऑफिसर्स को आपने सिर्फ इसलिए बाहर निकाल दिया क्योंकि उन्होंने आपकी, उन्होंने ये कहा था कि आपकी जो वाइफ है पिंकी पीरनी साहिबा जो है, बतौर प्राइम मिनिस्टर आपके ऑफिस में उन्होंने जाके कहा था कि वो हीरों के हार रिश्वत में ले रही है, तो आपने उनको वहां से निकाल दिया। और जब आपको एनआरओ नहीं मिलता तो आप इस तरह से रोना धोना शुरू कर देते हैं, बदतमीजी शुरू कर देते हैं। और आप तालीम क्या दे रहे हैं? वही जो आपने पीटीआई के लोगों को, अब मरियम औरंगजेब के साथ जो लंदन में हुआ, क्या आप लोगों को तरगीब दे रहे हैं कि जो सिपाही अपनी जानें कुर्बान करते हैं सियाचिन बॉर्डर्स पे खड़े होकर, आज भी जो जंग है इसकी, जो दहशतगर्दी की जो जंग है, उसमें आज भी जवान भी अपनी जानें दे रहे हैं, ऑफिसर्स भी अपनी जानें दे रहे हैं। और इक्तदार में आप ये बातें करते हैं, इक्तदार से जब आप बाहर आते हैं, हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, उसमें आपके जनरल से लेकर नीचे छोटे सिपाही तक शहीद हो जाते हैं, आपने उसको भी, उनको भी तज़हीक का निशाना बनाया? आपने उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे कैंपेन्स चलाई? अरसलान बेटा गद्दारी से लिंक कर दो, ये तो कोई मुल्क का बदतरीन दुश्मन नहीं करेगा। और आज आपको इक्तदार नहीं मिलता तो आप इंस्टीट्यूशंस को तनकीद का निशाना बनाते हैं। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।